एक इंसान जो दुनिया से गायब होने से पहले अपनी किताब में कुछ ऐसा लिख कर गया जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक सच्ची घटना जो स्कॉटलैंड के समुद्री तट पर बने हुए प्लानन आइसल लाइट हाउस की है। जिसे सन 1899 में समुद्री जहाजों के लिए खोल दिया गया। इस लाइट हाउस को कंट्रोल करने के लिए 3 लोग यहां भेजे गए। इन लोगों को यहां 1 साल हो चुका था। अब साल था 1900 जब इनका कमांडर इनसे मिलने पहुंचा, लेकिन उन तीनों में से कोई भी उस कमांडर को लेने नहीं आए। तब उस कमांडर ने लाइट हाउस पर जाकर देखा तो लाइट हाउस के गेट खुले पड़े थे। कमरों में बिल्कुल शांति थी, लेकिन किचन में आधा खाया हुआ खाना रखा था। घड़ी 1 बजे के वक्त बंद हो चुकी थी और वो तीनों लोग गायब थे। लेकिन इनकी खोज की गई तो कोई सुराग नहीं मिला, केवल एक किताब के अलावा जिसमें उनमें से किसी एक ने लिखा था, मैंने अपने जीवन में कभी इतनी तेज हवाएं नहीं देखी जो हमें अपने साथ ले जा रही हैं। आखिर उनके साथ क्या हुआ ये रहस्य कोई नहीं समझ पाया, लेकिन आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताना।